बिल्कुल भी ना भूलें। राजगढ़ जिले में मंत्री सिलावट मिलावट पर भारी नजर आ रहे हैं। मंत्री सिलावट द्वारा मिलावट खोरों पर कार्यवाही के आदेश के बाद राजगढ़ में शुद्ध के लिए प्रशासन ने युद्ध छेड़ रखा है। इसी को लेकर प्रशासन ने नकली दूध की सूचना मिलने के बाद नकली दूध बनाने वाले मिलावट खोर के यहां छापा मार कर 300 लीटर नकली दूध पकड़ कर उसे नाली में ढुलवा कर नष्ट कर दिया। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले की, जहाँ प्रशासन ने शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ रखा है। इसको लेकर रसुका तथा अन्य कानून भी प्रभावशील है। इसी को लेकर आज मिलावटी दूध को लेकर शिकायत की गई थी। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर दबिश दी है। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम कुंवर कोटरी निवासी नरेंद्र जायसवाल को यूरिया युक्त दूध के साथ पकड़ा है। इस कार्यवाही में करीब 300 लीटर नकली दूध मिला है, जिसमें कि यूरिया की मात्रा तथा माल्टोज की मात्रा अधिकतम पाई गई है। सिद्धार्थ जैन नरसिंहगढ़ SDM ने बताया कि हमारे द्वारा प्राथमिक स्तर पर जांच की गई है, जिसमें कि यह मात्रा मिली है। इस आधार पर दूध को नष्ट करा दिया गया है। आगे की कार्यवाही खाद्य नियंत्रण बोर्ड करेगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये अपना काम नहीं है जांच करने का। तो फिर आप कैसे लेके आए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी में था ये पूरा ये दूध? अपनी सिक्योरिटी में रहता है, अपना काम ट्रांसपोर्ट का है। दूध आता है तो सामने वाला का जो कलेक्शन पाई ना, वहाँ से उठा के हम डेयरी सेल करते थे। ये काम डेयरी का है, चेक करना नहीं करना। बाकी जिसके केन में जो भी होगा रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। सांची दुग्ध संघ से भी अगर कहाँ कहाँ दूध सप्लाई किया जाता है आपका? श्रीदी और जाता है। अच्छा, और कौन कौन से कलेक्शन पॉइंट है इसके? और मतलब आप लेते कहाँ से दूध, कहाँ से उठाते हैं? और ये कहाँ का दूध था जिसमें जिसको आज फेंका गया, जिसमें यूरिया पाया गया है? ये बकानी का है, सुकली का है, रोसला का है, मुंडला का है, चांदबड़ का है। सभी जगह का दूध है जो फेंका गया। बाकी सैंपल लगभग कितनी मात्रा में दूध था ये आपका? क्या सर, कितना लीटर दूध था ये? ये 300 के लगभग दूध था, 300 लीटर सभी का। तो इसमें आपने कभी चेक नहीं करा कि यूरिया की मात्रा इतनी, जैसे दूध अभी पीला दिखा हम सबको? नहीं, वो हमारा काम नहीं है। डेयरी पे चेक नहीं किया जाता? डेयरी पे इसके पहले शिकायत मिली है क्या? नहीं मिली है ना, कभी नहीं मिली है। और डेयरी पे जो दूध है वो चकते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि कुंवर कोटरी गांव से जो कलेक्शन पॉइंट है वहां पर ही, वहां से जो दूध आ रहा है उसमें यूरिया की मिलावट है। तो हमने बोड़ा जोड़ पे दो गाड़ियों पकड़ा है, और दोनों गाड़ियों के हमने एक प्राइमर फेसी, खुद एक NDRI की डेल्मो स्ट्रिप्स होती हैं, तो उससे अपन ने प्राइमरी फेसी हमने एक जाँच करी, जिसमें हमारे को पता चला कि हाँ यूरिया की मात्रा है। जो ट्रेस और नेगेटिव कैटेगरी के बीच में यूरिया की मात्रा आ रही है, तो अब इसको फर्दर सैंपल्स हम भेजेंगे भोपाल में, जिसमें जो लीगली मान्य रिजल्ट्स हैं उस पर कार्रवाई होगी आगे। सर कितनी मात्रा में दूध था? सर दूध अराउंड हमारे 20 कैन मिले हैं वहाँ पर, और हर कैन का आप 40 लीटर मान लें तो 2000 लीटर। सर कहाँ पर सप्लाई किया जा रहा था दूध? ये ऐसा इसका कहना है नरेंद्र जायसवाल का, जो सपोजिटली उन गाड़ी का मालिक है, उनका कहना था कि ये श्रीधी और सौरभ इन दो में सप्लाई कर रहा था, पर इसकी पुष्टि अभी हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते। सर क्या क्या इसमें मिला आपको सर, इसमें जांच? जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जांच तो लैब में होगी, पर सांची से डेल्मो स्ट्रिप्स हमने मंगवाई थी, जो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में बनती है। उन स्ट्रिप्स में हमारे को यूरिया की मात्रा मिली है ट्रेस और नेगेटिव के बीच में। सर किस प्रकार से शरीर को ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में क्या? यूरिया जैसे पेस्टिसाइड होता है, तो मैं बायोलॉजिकली तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट इतना कह सकते हैं कि शरीर के लिए हार्मफुल है। किस हद तक हार्मफुल है ये मैं कमेंट करने के लिए एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास अभी। सर और किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि और भी बेच रहे हैं, उन पे कब लगाम लगेगी सर, जैसे और भी नकली दूध बेच रहे हैं सर? कोशिश जारी रहेगी। आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट पे कार्रवाई करी है, आगे जाकर हम जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, इस पे कार्रवाई करेंगे। तो सर अभी क्या दूध नष्ट किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, इसमें हम नियमानुसार अभी चर्चा करेंगे क्या इसमें आगे में कार्रवाई करनी है।